नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 15 के लेटेस्ट एपिसोड में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सबसे तेज जवाब देकर मोहम्मद साहिल नाम के कंटेस्टेंट हॉट सेट पर बैठे। मोहम्मद साहिल महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले हैं और पेशे से वे एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर है। शो में मोहम्मद साहिल ने बताया कि उनका सपना है कि वे मुंबई में घर खरीदना चाहते हैं। इस पर अमिताभ बच्चन ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साहिल ने काफ़ी शानदार तरीके से गेम की शुरुआत की और देखते ही देखते उन्होंने 6,40,000 रुपये जीत लिए। तब तक उनकी सारी लाइफलाइनें ख़त्म हो चुकी थी। फिर आया 12,50,000 रुपये का सवाल। इस सवाल पर साहिल फंस गए। 12,50,000 रुपये के लिए साहिल से पूछा गया सवाल था, जब अनिल कुंबले ने एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लिए तो सभी आउट के दौरान गेंदबाज के एंड में कौन सा अंपायर था। इस सवाल के लिए चार ऑप्शंस थे, पीलू रिपोर्टर, एस वेंकट राघवन, डेविड शेफर्ड या डी ए विजय प्रकाश। इस सवाल पर साहिल काफ़ी कंफ्यूज नजर आए। उन्होंने काफ़ी देर सोचने के बाद गेम क्विट करने का फैसला किया और 6,40,000 रुपये लेकर घर गए। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी ए विजय प्रकाश है। जब गेम क्विट करने के बाद साहिल से इस सवाल का जवाब गेस करने के लिए कहा तो उन्होंने ऑप्शन सी डेविड शेफर्ड बताया, जो कि गलत था। दोस्तों, साहिल के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।